छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस सूची की बात की जाए तो साजा सीट से ईश्वर साहू को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। ईश्वर साहू 21 साल के उस भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, जिसकी हत्या 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर में कर दी गई थी। बाद में यह मामला धार्मिक विवाद में भी बदल गया था, धार्मिक हिंसा भी हुई थी। ईश्वर साहू गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इस एक प्रत्याशी के भरोसे पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली, इसके संकेत ईश्वर साहू को टिकट देकर ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयानों से भी मिलते हैं। अरुण साव राज्य की कांग्रेस सरकार को भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार बुलाते हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के बाद घर वापसी अभियान के भारत में सबसे बड़े चेहरे रहे दिलीप सिंह जूदेव की राजनीतिक विरासत संभालने वाले प्रबल प्रताप सिंह को कोटा और इसी परिवार की बहुरानी संयोगिता सिंह जूदेव को चंद्रपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू की दर्दनाक हत्या की गई और राज्य की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की, भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ मामले नहीं बनाए और निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, तो उन सब के लड़ाई के लिए ईश्वर साहू मैदान में है। छत्तीसगढ़ में 90 में से 85 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। आदिवासी समाज से बीजेपी ने 30 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि 10 प्रत्याशी अनुसूचित जाति से हैं, वहीं 31 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से हैं। बीजेपी ने 14 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने 43 ऐसे प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है जो पहली बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 50 वर्ष से कम आयु के कुल 34 प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर का सौंदर्यीकरण, कृष्ण कुंज, राम मंडलियों को प्रोत्साहन समेत कई योजनाएं लेकर आई। काम के साथ ही इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया। हालांकि बिरनपुर विवाद में मृतक के पिता को बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी टिकट देती नहीं देती, वो उनका नजरिया है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साझे में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है जिसको दिया गया है, राजनीति में कभी थे नहीं और उसको दिया गया है, तो उनका लुकआउट है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 45 दिनों में तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का कार्ड कितना असरकारी होगा और अगर असरकारी होगा तो किसके पक्ष में। NDTV के लिए रायपुर से कैमरामैन प्रवीण के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।